हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो हम लोग स्टार्ट कर ही रहे थे, पढ़ ही चुके थे अपने पिछले वीडियो में। आज हम लोग उसी का आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। मेस्टेमेटिक टिश्यू ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था, हमें पढ़ना है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को कैसे क्लासीफाइड किया गया, वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या ऑलरेडी आप देख सकते हैं, बोर्ड पे लिखा है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू क्या है, याद है कि भूल गए? थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। परमानेंट टिश्यू क्या था, उसका मतलब क्या था, याद आया? कोई बात नहीं, तो मैं बता दे रही हूँ। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, तो ऑब्वियसली ये नॉन ग्रोइंग रीजन जो होते हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स जहाँ पे ग्रोथ स्टॉप हो जाती है वहाँ पे परमानेंट टिश्यू हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नॉन ग्रोइंग रीजन पे। एक टर्म बस सिंपल से याद रखिए कि इट इज़ प्रेजेंट इन द नॉन ग्रोइंग रीजन, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू भी हमारे थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और स्पेशल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब कि ये एक टाइप के सेल से ही बने होते हैं। ये जो टिश्यू होते हैं ये हमारे क्या, वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं टू पार्ट्स में ये डिवाइड है, पहला सपोर्टिंग टिश्यू, दूसरा प्रोटेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यू इट मीन्स सपोर्ट, मतलब ये कहीं ना कहीं प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, कहीं ना कहीं मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये सपोर्टिंग टिश्यू इसमें पहला पार्ट में हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्स्ट पार्ट में डिवाइड है सपोर्टिंग टिश्यू। तो सपोर्टिंग टिश्यू में कौन कौन से आते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। ये सारे टर्म्स के बारे में हम लोग डिटेल में हर एक के बारे में हम लोग इसके कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू तो ऑलमोस्ट ये तो समझ रहे कि कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, प्लांट की बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। एपिडर्मिस आपको पता है ये आउटर लेयर होती है कि नहीं, आउटर लेयर होती है और ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है प्लांट बॉडी को किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्लांट बॉडी को ये प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्ड भी हमारे प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारी कैरेक्टर इन सब के बारे में हम लोग अलग अलग इनके कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे, इनके फंक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसमें क्या होगा, ये डिफरेंट टाइप सेल से बने होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट टाइप सेल से बने होंगे, ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हुए, ठीक है। बात समझ में आई, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो इसमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो इसमें हमारे टू टाइप्स के सेल्स है, जाइलम और फ्लोएम, बहुत ही कॉमन है, आपने बहुत सुना होगा। तो जाइलम फ्लोएम का फंक्शन याद है, जाइलम फ्लोएम का फंक्शन थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वैसे भी हम लोग आगे इसको थोड़ा सा जानेंगे डिटेल में। तो ये क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्या एक सिंपल एक एग्जाम्पल के तौर पर प्लांट बॉडी बनाया है, ठीक है। तो इसमें क्या, दो ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो आउटर मोस्ट वाला ट्यूब होता है उसको हम जाइलम वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स का फंक्शन क्या होता है कि वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है सॉयल से, रूट से, क्योंकि सॉयल में क्या रूट प्रेजेंट होते हैं, तो रूट से कहाँ तक, जो रेस्ट पार्ट होते हैं हमारे प्लांट बॉडी के वहाँ तक। जाइलम वेसल्स क्या करता है, वाटर एक तो ट्रांसपोर्ट करेगा और मिनरल्स, जो मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स कहाँ होंगे, सॉइल में तो प्रेजेंट होंगे जो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये हमारा क्या होता है, फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है ये क्या, फूड मटेरियल। फूड मटेरियल को कैरी करेगा कहाँ से, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। ग्रीन पार्ट में ही तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, फूड बनेगा, और उस ग्रीन पार्ट से ग्लूकोज जो उनका फूड मटेरियल है वहाँ से वो क्या करेगा, रिसीव करेगा, और सारे जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हमारे बॉडी के होते हैं प्लांट बॉडी के, वहाँ पे ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हमारे क्या है, कुछ हम लोगों ने टाइप्स पढ़ा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे, ठीक। नेक्स्ट हमारा स्पेशल परमानेंट टिश्यू। तो इसमें आप देख रहे हो कुछ लैक्सीफेरस टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू है और हाइड्रोट्रोफ टिश्यू है। तो लैक्सीफेरस टिश्यू क्या होता है, आप देखते होंगे लेटेक्स, लेटेक्स हमने सुना होगा, कुछ हमारे प्लांट बॉडी क्या लेटेक्स प्रोड्यूस करते हैं। तो लैक्सीफेरस टिश्यू में हम लोग लेटेक्स के बारे में पढ़ेंगे। लैक्सीफेरस टिश्यू में आप जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें ये लेटेक्स क्या होते हैं, वो स्टोर करते हैं। नेक्स्ट ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू है तो ये कहीं ना कहीं हमारे ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स होते हैं प्लांट बॉडी को, उसको प्रोड्यूस करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कुछ रेजिन्स आपने सुना होगा, जो क्या रेजिन्स होते हैं या गम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें
इसमें क्या होती है, स्टोर होती है, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, रेजिन गम्स, ये सब हमारे कुछ प्लांट बॉडी है, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो इसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेजिन और गम्स के लिए, और कुछ ग्लैंड को भी सिक्रीट ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हाइड्राथ्रोन, जो ये हाइड्राथ्रोन टिश्यू है ये क्या करते हैं, ये वाटर एक्सक्यूट करते हैं, जैसे एक्सक्यूट मतलब होता है पसीजना, कुछ कुछ हमारे प्लांट्स बॉडी आते हैं क्योंकि वाटर उससे रिलीज होता है, मतलब आप थोड़ा हाथ लगा के देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको पानी पानी आपको दिखता है, आपको फील होता है कि इसमें वाटर क्या हो रहा है, एक्सक्यूट हो रहा है, तो उसके लिए हमारा हाइड्राथ्रोन टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारी चीज़ हमने देखा, लैटिसिफेरस टिश्यू में हमारे क्या लेटेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू जो ग्लैंड्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, ग्लैंड्स वगैरह को ये प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है, और गम्स और रेजिन जो प्लांट बॉडी से सिक्रेट करते हैं उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हाइड्राथ्रोन भी बता दिए कि ये वाटर क्या एक्सक्यूट करने में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो वाटर एक्सक्यूट करती है प्लांट बॉडी से। तो ये ओवरऑल आज का यहाँ का आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है, ये क्लासिफिकेशन क्या है, परमानेंट टिश्यू, मैसमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, उसके बारे में ओवरऑल हम लोगों ने थोड़ा बहुत जान लिया कि वो कैसे क्लासिफाइड है। अब हम लोग आगे जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, इसके आगे का जो भी हम लोग अलग अलग कैरेक्टर्स इनके बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ आपको समझने में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ तक के वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं होगा, जो हम लोग आगे पोर्शन पढ़ेंगे उसको समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो ये जो क्लासिफिकेशन है आप इसको अच्छे से देखिएगा, मैं आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करूँगी, उस कंटेंट में आपको एक चार्ट मिलेगा प्लांट टिश्यू का, वो प्लांट टिश्यू का चार्ट आपको अपने नोटबुक में बना लेना है और अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। तो आज हम लोग उसे कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैस्टमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेल्स ऑफ मैस्टमेटिक टिश्यू डिवाइड। तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि जो हमारे मैस्टमेटिक जो टिश्यूज होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, ग्रोइंग रीजन पे, प्लांट के उस रीजन पे जो कि ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो वहाँ की सेल्स हमारी डिवाइड करेंगी। अगर वहीं हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो वहाँ की सेल्स डिवाइड नहीं करेंगी। जब सेल्स वहाँ की डिवाइड नहीं करेंगी तो ऑब्वियसली जो परमानेंट टिश्यू है वो नॉन ग्रोइंग रीजन पे प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट, सेल्स आर स्मॉल, अनडिफ्रेंशिएटेड एंड थिन वॉल। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारे सेल्स होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे, अनडिफ्रेंशिएटेड होंगे, जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, थिन वॉल होंगे। तो यहाँ पे हमारे सेल्स, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं मैस्टमेटिक टिश्यू के, ये हमारे क्या है, स्मॉल सेल्स हैं हमारे, क्या आप देख रहे हैं, ये क्या स्मॉल सेल्स, और इसमें क्या ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये हमारे क्या साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अगर हम वही परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेल्स स्मॉल है तो यहाँ पे सेल्स क्या होंगी, लार्ज हो जाएंगी, डिफ्रेंशिएटेड है और स्पेशलाइज टू परफॉर्म फंक्शन। जो हमारे सेल्स होते हैं वो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी आपको बताया था कि यहाँ के जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शन स्पेशलाइज होते हैं। इट मीन्स जैसे मसल सेल्स है, मसल सेल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम है। RBC जो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, हार्मोन्स न्यूट्रिएंट्स कैरी करेंगे। और हमारे बहुत से ऐसे सेल्स जैसे नर्व सेल्स हैं, मैसेज कैरी करने के लिए होते हैं। तो हमारे ऐसे बहुत से सेल्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं मैस्टमेटिक टिश्यू में पूरी तरह से एब्सेंट होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी तरह का स्पेस दिख रहा है नहीं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है ये। लेकिन अगर हमारी ये इस तरह से सेल्स होते हैं तो आप देख रहे बीच में स्पेसेस हैं, इसको हम इंटरसेलुलर स्पेसेस कहेंगे। और ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो हमारे परमानेंट के केस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होगा। और जो हमारे किसमें परमानेंट में, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे तो न्यूक्लियस हमारे सेंट्रली क्या है, लोकेटेड है, बट परमानेंट के केस में जो न्यूक्लियस होते हैं वो पेरीफेरल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या पेरीफेरल डायरेक्शन में ये क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं साइटोप्लाज्म के पेरीफेरल में। तो यहाँ पे ओवरऑल आप क्या कैरेक्टर्स हम लोगों ने देख लिया, जिसमें हमने मैस्टमेटिक और परमानेंट टिश्यू के बारे में देखा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, मे बी मैस्टमेटिक के कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाए, परमानेंट के बारे में पूछा जाए, तो आप अलग अलग भी बता सकते हो, यहाँ से आप कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं। अगर डिफरेंस पूछा तो आप डिफरेंस भी यहाँ से बता सकते हैं। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे हम लोग ने परमानेंट और मैस्टमेटिक टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आगे हम लोग अपने परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग टाइप्स को रिवाइज कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ मैस्टमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो टाइप्स ऑफ मैस्टमेटिक टिश्यू हम लोगों ने अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में देखा था,
वहाँ पे क्या होता है, हमने थ्री टाइप्स के मेस्टमेटिक टिश्यू देखा था। एपिकल मेस्टमेटिक टिश्यू जो हमारे प्लांट के टिप पोर्शन मतलब शूट वाले रीजन पे होता था, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसके टिप के लिए, टिप की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इंटरकैलरी क्या था, इंटरकैलरी जो था वो क्या होते हैं, प्लांट्स के नोड्स पे जो छोटे छोटे नोड्स होते हैं, हमारा जो प्लांट बॉडी है इस प्लांट बॉडी पे छोटे हमारे क्या नोड्स प्रेजेंट होते हैं, और इस नोड्स पे हमारे क्या होते हैं इंटरकैलरी जो मेस्टमेटिक टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है, और यही नोड्स फर्दर जाके हमारा क्या ग्रो करता है स्टेम। नेक्स्ट लिटरल, लिटरल क्या होता है, उसकी वो साइड ग्रोथ करेगा मतलब उसकी थिकनेस को वो क्या करेगा बढ़ाएगा, तो उसके लिए हमारे कौन सी टिश्यू था, लिटरल मेस्टमेटिक टिश्यू। तो ये हमारे क्या मेस्टमेटिक टिश्यू हो गए, उसके टाइप्स भी हो गए। अब हम परमानेंट टिश्यू डिस्कस करेंगे। परमानेंट टिश्यू के टाइप्स क्या था, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था सपोर्टिंग टिश्यू, पढ़ा था कि नहीं, कुछ हमारे सिंपल थे, कुछ कॉम्प्लेक्स थे और कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू थे। सिंपल में हमने देखा था जैसे हमारे कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा देखा था, ठीक है, और कुछ हमने देखा था कॉम्प्लेक्स में जैसे जाइलम और फ्लोएम देखा था, ठीक है, और हमने क्या देखा था कुछ सपोर्टिंग सेल्स में, तो हमने देखा था अपने पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। बट प्रोटेक्टिव टिश्यू में यहाँ पे क्या देखा था, प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमने देखा था एपिडर्मिस और कॉर्क। तो ये हमारे बहुत से ऐसे हमने क्या टाइप्स परमानेंट के देखे थे। तो ऑलरेडी हम लोग अपने आगे की क्लास में आगे फर्दर हम लोग इसको पढ़ेंगे। मेस्टमेटिक टिश्यू भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, परमानेंट टिश्यू हम लोग आगे अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में हमारे जो जो भी टाइप्स है वो हम फर्दर स्टडी करेंगे, ओके। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा, अपने क्यूरीज भी जरूर पूछिएगा, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।